वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अस्सलामु अलैकुम माय ब्यूटी फैमिली। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, मी सनम अदील एंड माय चैनल नेम इज सनम अदील व्लॉग्स। हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मियों की सौगात, खट्टी मीठी यानी कि केरी का मुरब्बा। जी गाइस, केरी का मुरब्बा, और वो भी मेरे स्टाइल से। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करनी वीडियो। रुकिए, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नए हैं, तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जी अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, चले मेरे साथ। उनका मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 5 केरियाँ ली हैं। अब इनको मैं पील ऑफ करूँगी, पील पहले करके फिर उसके बाद कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, पीलर से मैं पील ऑफ करूंगी इसको। ये देखें जी, ऐसे पील कर दूंगी इसे। जी गाइस, ये देखें जी, पील ऑफ हो गई हैं केरियां। अब मैं इनकी कटिंग करूंगी, आपके सामने कटिंग करती हूँ, फिर देखते हैं आप। जी गाइस, कटिंग हो गई है केरी मेरी, कटिंग हो गई है। ये देखें जी, ये दो प्लेटों में मैंने शिफ्ट कर दी है। अब इसको मैं पानी रखती हूँ चूल्हे पे और उसमें थोड़ा सा पकाऊंगी 5 से 10 मिनट। गाइस, पानी थोड़ा सा हो गया है, अब मैं पानी में डालने जा रही हूँ उस केरी को। आराम से गाइस, केरीज मैंने डाल दी सारी इसके अंदर। अब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो मैं इसको ढक रही हूँ, अभी नरम होने तक इसको पकाऊंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको नरम होने में, तो इसको ढकते हैं और पकाते हैं। ये देखिए, मैं कुछ चेक करने के लिए निकाल रही हूँ ऐसे। जी नरम हो गई है बिल्कुल, ये देखें इस चम्मच से टूट रही है, ये देखें बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब इसका पानी अलग कर लेंगे, पानी में अलग करती हूँ स्टेन करके, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने पानी इसका स्टेन कर लिया है। अब इसमें चीनी जाएगी 1.5 कप, केरी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैंने इसलिए, ये देखें 1.5 कप पकड़ो, 1.5 कप, ये 1 कप, और ये दूसरा 1/2 कप। 1.5 चम्मच जो है मैंने लेमन लिया है, ये देखें जी, ये मैं सारा चीनी में डाल दूंगी ताकि डिज़ोल्व हो जाए। ये इसलिए डाल रहे हैं कि बाद में चीनी जो है वो जम ना जाए। अभी तो गरम गरम जमेंगी नहीं, लेकिन बाद में हम लोग इसको ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में रखेंगे, यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो बाद में चीनी जम जाती है। लेमन डालने से चीनी जमेंगी नहीं। इलायची और 2 जो है ये स्टिक जो है सरमन स्टिक जो है वो मैंने निकाल के रखी है, ये इसी में जाएंगी खुशबू के लिए। एक हाथ में मेरी लाइट है अंधेरा हो रहा है तो इस वजह से नज़र नहीं आ। जी गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल लूँ ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा आए, निखर के आए। तो आप इस पॉइंट पे आप लोग इस पर बादाम भी डाल सकते हैं, मेरे पास अब बादाम नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, तो मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग डालूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा आए। मुरब्बे का कलर जो है ना वो बहुत अच्छा सा ऐसे लाइट सा आना चाहिए इसको। जी गाइस, अब इसको चेक करने के लिए कि एक तार की बनी नहीं बनी, मैं थोड़ा सा इसको कोली में निकाल के देखती हूँ, चेक कराती हूँ आपको। ये भी एक तार नहीं बना इसका, ये देखें जब ऐसे थोड़ा सा जुड़ेगा ना तो इसका एक तार बनेगा, अभी एक तार नहीं बना ये। ये देखें, ये तैयार है हमारी आम का मुरब्बा तैयार। अब मैं फ्लेम ऑफ करके ना इसको मैं रख रही हूँ 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए, और बाकी जब पानी मैंने डिस्ट्रॉय किया था, मैंने कहा था डिस्ट्रॉय नहीं करना, वो पानी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पानी का क्या किया। जी गाइस, ये है वो पानी जो मैंने निकाल के रखा था, ये देखें जी, ये हम ऐसे इसका जूस बना रहे हैं, ड्रिंक बना रहे हैं पीने के लिए, ये देखें ऐसे। और ये बीच में गया, ये बीच में क्यूब्स, ये ऐसे, और इसमें 1 चम्मच चीनी जाएगी। ये देखिए, ये 1 चम्मच चीनी गई। अब इसको मिक्स 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 करके ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, अब इसमें शिफ्ट कर रही हूँ मैं ये जार में।
ये देखिए यहाँ मेरी रेसिपी तैयार है आज की, आम का मुरब्बा। और ये देखिए साथ में ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आपका जो पानी आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना, वे सेव करके एक ही चीज़ से आपकी दो चीज़ें बन जाएंगी। इस मुरब्बा मेरा तैयार हो गया है और नींबू बार बार नीचे गिर रहा है छिलका मैंने रखा हुआ, नींबू बार बार नीचे गिर रहा है। ये देखिए जी ये तैयार हो गया है, आप टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको।